आर्थिक रूप से कमजोर जनता कॉलोनी के रहने वाले सुरेश आचार्य के बिजली का बिल 2,13,347 रुपए भेज दिया गया, जबकि उसका उपभोग सिर्फ 164 यूनिट है। ऐसे में जब पीड़ित सुरेश एवीवीएनएल D1 के अधीक्षण अभियंता निर्वाण के पास बिल दुरुस्त कराने गया तो उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस बात को लेकर सुरेश के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा और राजस्थान जन संघर्ष समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक्सीएन निर्वाण का पुतला फूंक कर उन्हें निलंबित करने की मांग की। उन्होंने 2.5 लाख का बिल, 2,37,000 का बिल उन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने बोला कि आप जो अधिशासी अभियंता के पास जाओ। अधिशासी अभियंता के पास गया, उन्होंने बोला कि जो है 10% आप जो है जमा कराओ इसका। हमने कहा सर हमारा कोई बकाया वकाया कुछ है ही नहीं, तो आप किस क्या है? नहीं, ये तो हमारा आदेश है और ये जो है गवर्नमेंट के नियम है कि 10% तो आपको जमा ही कराना है। तो हमने कहा सर हम 10% तो हम गरीब आदमी मजदूर आदमी है, हम तो ये रोज सेल्समैन ही करते हैं, चाहे चॉकलेट गोली वोली बेचते हैं, उसी में अपना बसर करते। इतना हम 25,000 रुपये हो गए 10% का। कुछ नहीं, कोई चोरी वोरी नहीं की है। बिल आया ये उनके निगम की वो है लापरवाही। उनके पास में हम लोग गए भी विद्युत विभाग वाले के पास गए तो कहा ये हमारी कमजोरी है, हम इसको सही कराएंगे, हमारा जो है ये क्या बोलते कंप्यूटर भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए इसको हम सही करेंगे, इसके बाद जो है आपके होगा, लेकिन अभी आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। आप अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही के कारण आचार्य सुरेश जी के घर का जो बिल 2,23,000 करीब आया, उस मसले को लेकर के जब हम कल विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिले तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी विभागीय कमी को या त्रुटि को पूरी तरह से माना और ये कहा, बोले मिश्रा जी अब सरकारी नियम का तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप सभी चैनलों के माध्यम से सिर्फ इतना सा कहना है सरकार से और सरकारी विभाग सरकार और इस विद्युत निगम से कि ऐसा कोई कानून नहीं है इस राजस्थान में कि उपभोक्ता उस गलती का परिणाम भुगते जो उसने की ही नहीं। ये पूरी सरासर गलती अजमेर विद्युत विभाग की है जिसका खामियाजा ना विद्युत विभाग भुगते।